किडनी स्टोन में बहुत दर्द होता है और पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाता है। मछली के जैसे कभी कभी पेशेंट तड़पने लगता है और फिर इमरजेंसी में डॉक्टर के यहाँ पे जाता है, कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं और दवाई लेने के बाद में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वापस से कुछ दिनों के बाद में ये तकलीफ होती रहती है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये तकलीफें बार बार होती है और ऐसी कौन सी वो 6 गलतियाँ हैं जो लोग अक्सर करते हैं और जिसकी वजह से उनको ये तकलीफें बार बार होती रहती है। अगर आपको स्टोन है, किडनी स्टोन है जिसे हम कहते हैं पथरी है, और आप परेशान हैं इससे और आप इससे परमानेंटली राहत पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पूरा देखिए और समझिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी, ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। किडनी स्टोन होता क्यों है, इसके क्या कारण है और इतना दर्द किडनी स्टोन में क्यों होता है, क्यों पेशेंट को इतनी परेशानी होती है, क्यों पेशेंट तड़पने लगता है, इसके ऊपर अलग से 2 से 3 वीडियोज़ मैंने डाले हैं। किडनी स्टोन में इतनी तकलीफ क्यों होती है, इसके लिए एक वीडियो है। किडनी स्टोन होता क्यों है, इसके क्या कारण है, इसके लिए एक अलग से वीडियो है। क्या परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसके लिए भी मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है। तीनों वीडियोज़ की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इनको भी आप ज़रूर देखिए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वो 6 गलतियाँ जो अक्सर लोग करते हैं और परेशान होते हैं किडनी स्टोन में। आइए जानते हैं। सबसे पहली गलती, मैं काफ़ी स्टोन के पेशेंट देखता हूँ, मेरे पास दूर दूर से स्पेशली किडनी स्टोन के लिए लोग आते हैं और काफ़ी पेशेंट के बड़े बड़े पत्थर भी मैंने होम्योपैथी से निकाले और मैं कॉमनली देखता हूँ। एक टेंडेंसी होती है, जब दर्द रहा डॉक्टर के पास जाओ, दर्द अच्छा हो गया भूल जाओ। काफ़ी लोग भूल जाते हैं, वो कहते भी है कि यार अभी तो कुछ भी दर्द नहीं है, पेट में दुख नहीं रहा, तो क्यों डॉक्टर के पास जाना। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि आपके किडनी में अगर पत्थर है तो दर्द सिर्फ तभी होगा जब वो हिलेगा, और हिल के जब वो कहीं घिसेगा तो घिसने की वजह से उस जगह पे होता है दर्द। और अगर वो चुपचाप एक जगह पे बैठा है तो आपको दर्द नहीं होगा। इस कंडीशन में ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप उस पत्थर को भूल जाए। आप अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आराम आराम से उसकी साइज जो है बढ़नी शुरू रहेगी और फिर 5 महीने 6 महीने के बाद सडनली वो बड़ा हो जाएगा। काफ़ी पेशेंट्स में मैंने देखा है, मैं उनको दवाई देता हूँ, उनको काफ़ी अच्छा लगता है और मैं ये इंस्ट्रक्शन देके उनको भेजता हूँ कि भैया हो सकता है कि आपको 8-10 दिन में बहुत फ़र्क पड़े, आपको ऐसा लगे कि कोई तकलीफ नहीं है, मुझे अभी पत्थर ही नहीं है, फिर भी दवाई बंद मत करना। लेकिन वो भूल जाते हैं और फिर कोई तो भी बहाना बता के कि मुझे ऑफिस का काम था, कहीं बाहर जाना था, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, वो छोड़ देते हैं और 6 महीने 8 महीने के बाद वापस आते और तब पत्थर की साइज़ बढ़ी हुई रहती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने काफ़ी दिनों से पथरी की दवाई नहीं ली है और आपको तकलीफ़ नहीं है, तो आप इमिजिएटली जाके सोनोग्राफी करवाइए, आपके डॉक्टर से मिलिए, क्या पता वो स्टोन बढ़ रहा हो, उसकी जाँच कीजिए और उसका पूरा इलाज कीजिए। गलती नंबर 2, पानी कम पीना। हर कोई बताता है, हम भी आपको बताते हैं कि भैया बहुत पानी पियो, बहुत पानी पियो, लेकिन पानी पिए कैसे, आदत नहीं होती है। तो बताने के बाद में भी ये बात इम्प्लीमेंट लोग कर नहीं पाते। सिंपल सा रूल है, आपको 5 से 6 ग्लास पानी कम से कम दिन भरे में पीना है। अब अगर आपको आदत नहीं है तो सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, आपके टेबल पर पानी की बोतल रखिए या फिर पानी का भरा हुआ ग्लास आपके सामने रखिए, जहाँ पर आप काम करते हैं उस बोतल को आपके आंखों के सामने रखिए ताकि आपको दिख सके बार बार। मैं तो यहां तक सजेस्ट करता हूं कि अगर पॉसिबल है तो आप हर आधे घंटे के बाद का अलार्म लगाइए मोबाइल में, और जैसे ही मोबाइल बजा 2 घूंट पीजिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने देखा है, जब मैं उनको बोलता हूं कि भैया पानी पियो, तो वो कहते हैं कि मचलाहट होती है ज्यादा पानी पीने से। तो एक साथ ज्यादा पानी पीना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन 2-2, 3-3 घूंट अगर आप पानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद पीते हैं तो आप पी सकते हैं। सो पानी पीने की आदत डालिए। गलती नंबर 3, बिना सोनोग्राफी किए दवाई लेना, बिना USG किए दवाई लेना। काफ़ी पेशेंट मैंने देखे, बस दर्द हो रहा है, वो जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे पहले दवाई दे दो, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, फिर मैं जाके सोनोग्राफी निकालूंगा, फिर मैं जाके इन्वेस्टिगेट करूंगा, और वो फिर अच्छा लगा भूल जाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि आपको अगर पथरी है तो इमिजिएटली सोनोग्राफी कीजिए, उसकी साइज़ कितनी है, वो कहाँ पर अटका हुआ है, उसकी वजह से आपके किडनी में कुछ सूजन है क्या, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस होना, किडनी के नली पे कोई सूजन है क्या, इसकी जांच कीजिए। क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ है क्या, ये भी देखिए। गलती नंबर 4,
घरेलू उपाय करना। मैंने काफ़ी पेशेंट देखे जैसे ही पथरी है ये मालूम पड़ा, कोई पड़ोस वाला व्यक्ति या कोई दोस्त, कोई नज़दीकी, कोई तो भी दवाई का नाम सजेस्ट कर देता है और लोग वो शुरू कर देते हैं। घरेलू उपाय करने के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल करिए। इनफैक्ट मैं मेरे पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ, एक पर्णफुटी नाम की वनस्पति आती है, आप भी वो यूज़ करके देख सकते हैं, उसका रस निकाल के आप ले सकते हैं। लेकिन डायग्नोसिस करने के बाद, स्टोन कितना बड़ा है ये जानने के बाद, कभी कभी क्या होता है, स्टोन नली में अटकने की वजह से किडनी के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाता है और किडनी के ऊपर प्रेशर आने की वजह से किडनी फेल हो सकती है या आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है जिससे आपकी किडनी में खतरे में आ सकती है। सो डायग्नोसिस करवाइए, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए, उनकी दवाई शुरू कीजिए। आप होम्योपैथी इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। काफ़ी मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी पथरियाँ, कुछ कुछ तो ऐसे पेशेंट हैं जिनको 8 से 9 स्टोन थे, पूरे निकल गए, 18 mm, 17 mm, 16 mm के स्टोन थे, वो भी पत्थर उनके निकल गए। सो होम्योपैथी लीजिए, कंटिन्यू मेडिसिन लीजिए और साथ में अगर आपको लगता है तो फिर आप घरेलू इलाज भी कर सकते हैं ताकि वो जल्दी निकल सके। लेकिन बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट करना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। गलती नंबर 5, अगर आपको स्टोन है तो आपके साथ हमेशा कोई ऐसी दवाई होनी चाहिए जिससे आपका दर्द कम हो सके। मैंने बहुत पेशेंट्स में देखा है, वो दूसरे गांव जाते हैं, उनके साथ कोई दवाई नहीं होती और वहाँ पे अचानक से दर्द उठने लगता है। फिर वो जब दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस डॉक्टर को भी हिस्ट्री पता नहीं होती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके साथ ये दवाई हमेशा होनी चाहिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। गलती नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों में मैंने देखा है वो चमत्कारों पर बहुत विश्वास करते हैं। आपने भी कुछ वीडियोस ऐसे देखे होंगे कि ऐसे मुंह लगा के वो स्टोन निकालते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे हाथ डाल के पत्थर निकालते हैं, सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई मुंह लगा के स्टोन निकाल नहीं सकता, कोई पेट के अंदर ऊपर से हाथ डाल के पत्थर निकाल नहीं सकता, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। और ये मैं बहुत दिनों के स्टडी के बाद आपसे कह रहा हूँ, काफ़ी पेशेंट्स देखने के बाद आपसे कह रहा हूँ। अगर ऐसा होता था तो डॉक्टरों का काम ही नहीं रहता था, इन्हीं लोगों के पास जाके सब पत्थर निकाल के आते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप गलती से ऐसे किसी इंसान के पास गए और उन्होंने अगर आपको बोला है कि अभी सोनोग्राफी नहीं करना, तो पहले मैं बोलूँगा जाओ सोनोग्राफी करके देखो कि वो चमत्कार से आपके पत्थर निकले हैं क्या, और वो नहीं निकलेंगे। तो ऐसे चमत्कारी बातों पर ज़्यादा विश्वास न करते हुए अच्छे डॉक्टर को दिखाना ही समझदारी है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्टोन है उसको समझिए, उसके कारणों को जानिए, उसके बारे में पता लगाइए, मेरे पूरे वीडियोस उसके ऊपर है वो देखिए और होम्योपैथी की ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि होम्योपैथी में स्टोन के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। मैंने काफ़ी पेशेंट्स स्टोन के ठीक किए हैं। आप भी घर बैठे दवा मंगा सकते हैं, मेरा नंबर मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सअप कीजिए। कृपया फ़ोन ना करें क्योंकि बहुत सारे कॉल दिन भरे में आते हैं और वो सब फ़ोन उठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो व्हाट्सएप करिए ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें और आप मुझसे भी बात कर सकते हैं और आपकी ट्रीटमेंट घर बैठे आप कर सकते हैं। सो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।